अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हो, तो आपने असेसमेंट कर ली कॉन्ट्रैक्ट की एट द इंसेप्शन कि वो लीज है या नहीं है। उसके बाद कमेंसमेंट की डेट के ऊपर यू नीड टू फाइंड आउट कि अब आपकी अकाउंटिंग कैसे होगी। सो अकाउंटिंग के लिए आपके पास दो चीजें हैं, क्योंकि आपने डिटरमाइन कर लिया है दैट यू हैव अ राइट ऑफ यूज एंड यू कैन कंट्रोल द यूज ऑफ एन एसेट, एंड सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज अ राइट ऑफ यूज एसेट। सो यू रिकॉग्नाइज अ राइट ऑफ यूज एसेट। सो अब दूसरी चीज क्या होगी, अच्छा ये किस चीज से मिलकर बनता है, कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, अभी जरा करते हैं, जरा ठहरिए जरा एक मिनट। दूसरी चीज जो रिकॉर्ड होगी वो होगी एक लीज लायबिलिटी, बिकॉज यू नीड टू ऑल्सो पे फॉर दैट राइट ऑफ यूज एसेट। तो एक लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी।